10 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया, ये है सोनी ICF C1, एक रेडियो क्लॉक। ये घड़ी आपको टाइम बताने के अलावा आपको रेडियो भी सुनाएगी। इसका सबूत ये स्पीकर है और इस घड़ी में एक रेडियो इंस्टॉल किया गया है, तो आपको ये वक्त तो बताएगी और साथ में रेडियो भी सुनाएगी। इस घड़ी में रेडियो सुनने के लिए आपको बस करना इतना है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बटन जो दिया गया है जिस पर लिखा है रेडियो, आपको इसे कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना है। और अब आप सुन सकते हैं डिस्टॉर्शन का साउंड आपको आ रहा होगा, या वाइट नॉइज़ आप इसे कह सकते हैं। आपको फिर यहाँ से वॉल्यूम एडजस्ट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ से ट्यून करना होगा। और अब आप रेडियो सुन सकते हैं और आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं, किस फ्रीक्वेंसी में आप ट्यून कर रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप AM और FM के बीच में स्विच कर सकते हैं। और ये है इस घड़ी का स्पीकर, बहुत ही छोटा स्पीकर है, इसकी साउंड क्वालिटी परफेक्ट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और ये है इस घड़ी की साउंड क्वालिटी। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700001-4242 पर। और इस घड़ी के ऊपर आपको इस तरह के बटन्स दिखेंगे। सबसे पहला बटन है अलार्म मोड, जहां पर ऑफ, बज और रेडियो का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसे रेडियो की ओर सेट करते हैं तो आपको सुबह अलार्म की घंटी की जगह रेडियो सुनाई देगा, और अगर आप इसे बजर की ओर सेट करते हैं तो आपको बीप बीप की आवाज़ आएगी, बजर की आवाज़ इसमें नहीं आएगी। और इन दो बटन से आप अलार्म का टाइम सेट कर सकते हैं, जितने बजे आपको उठना है उतने बजे का अलार्म आप यहां से लगा सकते हैं। और इस बटन से आप रेडियो सुन सकते हैं, आपको बस इसे 2 सेकंड तक होल्ड करना है बिल्कुल इस तरह से, और अब आप रेडियो सुन सकते हैं। और अगर आपको रेडियो ऑफ करना है तो आपको बस अलार्म रीसेट का बटन दबाना है और रेडियो ऑफ हो जाएगा। और ये मीटर इस पर दिया गया है जहां पर आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, और ये रहा इसका ट्यूनिंग डायल, और यहां से आप AM और FM के बीच में स्विच कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो इसका स्पीकर है इसके ऊपर आपको वॉल्यूम डायल दिखेगा, और इसकी पीछे की तरफ यहां पर है टाइम सेट बटन, और ये है डेलाइट सेविंग टाइम बटन। तो यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हैं और डेट सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पर स्नूज बटन भी है, जो कि ब्राइटनेस बटन भी है, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और स्नूज के बारे में सभी को पता है स्नूज क्या होता है, मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस घड़ी में सेल्स आपको नहीं दिख रहे होंगे कहीं भी, ना ही कोई कंपार्टमेंट है जहाँ पर सेल्स लगते हैं। ये घड़ी सिर्फ बिजली के साथ चलती है, और इस तरह का प्लग जो है इस घड़ी में लगा हुआ है, जो इंडियन स्टाइल के सॉकेट्स में नहीं घुसता या फंसता, तो आपको अलग से जो है इसके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। इसके साथ आपको किसी तरह की एक्सटेंशन या कोई एक्स्ट्रा प्लग नहीं मिलेगा। तो इस घड़ी को चलाने के लिए आपको इस तरह के सॉकेट्स की ज़रूरत है, तो ये चीज़ जो है आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप खरीद सकते हैं, तभी जो है ये घड़ी चलेगी। और एक रेडियो क्लॉक होने के बावजूद भी इसमें आपको कहीं कोई एंटेना जो है नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एंटेना की जगह इसमें इस तरह की ये तार लगी हुई है, तो इसी तार की मदद से जो है ये सारे सिग्नल कैच करता है। सोनी ICF C1 क्लॉक रेडियो, पैसों की बर्बादी। पूरे 4200 रुपये इस घड़ी की कीमत है, और इतने पैसों के लायक इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी खास बात इसमें नहीं है। इसमें बैटरीज नहीं लगती, आपको हमेशा इसे बिजली से चलाना होगा, और इसे बिजली से चलाने के लिए भी आपको एक अलग ही सॉकेट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस घड़ी के लिए इतने पैसे देने से अच्छा है कि आप अपने फ़ोन में ही रेडियो सुने और टाइम भी देखें। इस घड़ी से दूरी बनाकर रखें और इसे बिल्कुल ना खरीदें। लेकिन अगर आपको ये घड़ी खरीदनी ही है तो ज़रा सोचिए, हर घर में झगड़े होते हैं, और ख़ास करके पति पत्नी वाले झगड़े, और इस तरह के झगड़ों में हमेशा सामान इधर से उधर फेंका जाता है, और आप नहीं चाहेंगे कि कोई इस घड़ी को फेंक कर तोड़ दे। एक तो पहले ही ये घड़ी बहुत ही ज़्यादा बकवास है, और टूटने के बाद ये बिल्कुल भी काम की नहीं रहेगी, तो इस घड़ी को आप बिल्कुल ना खरीदें।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।